हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जी दोस्तों, आज मैं नरेशन का थर्ड टेस्ट सीरीज लेकर के प्रेजेंट हो गया हूँ। एक महामैराथन चल रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आज हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। बहुत सारे इसमें सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, जो कि आपको टीच कर दिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन ऑन योर स्क्रीन, आई विल से टू माय फ्रेंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट, द फर्स्ट ऑप्शन आई विल टेल माय फ्रेंड दैट आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर, एंड बी आई विल टेल माय फ्रेंड दैट आई एम लर्निंग कंप्यूटर, एंड सी I'll tell my friend that I had started learning computer, and D, I'll tell my friend that I learned computer. चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है I say to my friend, ये क्या है? चूंकि प्रेजेंट में आ चुकी है इसलिए टेंस का दायरा जो है बदलेगा नहीं, इसलिए बी ऑप्शन में एम है ये होगा नहीं। सी में हैड लगा है ये भी नहीं होगा, और डी में यहां पर आई लर्न है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट गोज टू करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है, सही दायरे में जाता है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आई टेल माय फ्रेंड दैट आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन योर स्क्रीन, माय फादर सेड टू मी विल यू सीट एंड स्टडी एट लिस्ट नाउ। देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें है, पास्ट में आई है और रिपोर्टेड स्पीच में विल लगा हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड में बदलना होगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में विल आया है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, माय फादर आस्क्ड मी इफ आई वुड सिट एंड स्टडी एट लिस्ट, देन माय फादर इंक्वायर्ड मी इफ आई वुड सिट एंड स्टडी एट लिस्ट नाउ, एंड सी माय फादर आस्क्ड मी वेदर आई कैन सिट एंड स्टडी एट लिस्ट देन, and my father asked me if I will sit and study at least then. चलिए सबसे पहले ऑप्शन को हम क्लियर करते हैं। विल का वुड किस में मिल रहा है, एक तो आपके ए में मिल रहा है, दूसरा बी में मिल रहा है। जी दोस्तों, और सी और डी को एनालिसिस करते हैं तो कैन मिला है, एक में विल मिला है, इसका मतलब ये होगा नहीं सी एंड डी। तो ऑप्शन की तरफ हम ऑप्शन से ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं ए और बी में माई फादर आस्क मी इफ I would sit and study at least then, and B, my father inquired me if I would sit and study at least now. तो यहां पर B वाला option हमारा सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर now को then में बदला नहीं गया है, इसलिए A option जो हमारा होगा सही होगा कि my father asked me if I would sit and study at least then. The next one is that, what an excellent piece of art, she said. First, she exclaimed with surprise, what it, an excellent piece of art, पहले ही कट जाता है क्योंकि बेटा यहां पर सरप्राइज के बाद वर्ड लगाया हुआ है, गलत है। B, she exclaimed, what an excellent piece of art was it, बिल्कुल गलत है। C, had exclaimed that it was an excellent piece of art, and D, she exclaimed with appreciate that it was an excellent piece of art. जो सबसे suitable answer हमारा यहाँ पर जा रहा है, अब बनाकर स्वयं देखिए, A B तो बिल्कुल नहीं है, C और D में से एक option सही होगा, लेकिन it was an excellent piece यहाँ पर किया है और इसमें क्या है, she exclaimed with appreciate, क्योंकि यहाँ पर क्या है, what an excellent piece of art, she said. तो appreciate यहाँ पर हो रहा है, D option हमारा सही होगा. She exclaimed with appreciate that it was an excellent piece of art. The next question is that I gave the pocket to Tom who kept it a long time, said Pamela. इसको बताया गया है कि reporting verb कभी starting में भी आ सकती है, कभी end में भी आ सकती है, तो no mention. अब हम समझने की कोशिश करते हैं, Pamela said. Pamela said पहला लेते हैं, A, Pamela said that She had gave the pocket to Tom who kept it a long time. B, Pamela said that she had given the pocket to Tom to keep for a long time. C, Pamela said
that she had given the pocket to Tom, who kept it a long time. And D, Pamela said that she had given the pocket to Tom, who kept it for a long time. जी दोस्तों, इसे बनाना है. I gave the pocket to Tom, who kept it a long time, said Pamela. चलिए इसे बनाने के सफर में चलिए, कैसे बनाएंगे, कैसे इसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं. यहां पर ऑप्शन जो हमारा करेक्ट की तरफ जाएगा वो होगा डी सी ऑप्शन. यहां पर क्या होगा, सी, क्योंकि पमेला सेड दैट सी हैड. यहां पर क्या बेटा, पास्ट का इंडिफिनिट है तो पास्ट के परफेक्ट में जाएगा. किसमें जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में. हम देखते हैं ए ऑप्शन में भी हैड लगा है, बी में भी क्या लगा, हैड लगा है, डी में भी क्या लगा है, हैड लगा है, और सी में भी हैड लगा है. तो फिर अंतर क्या हमें मिल रहा है, ए में भी पमेला सैड है, बी में क्या है, पमेला सैड है, सी में क्या है, पमेला सैड है, और डी में क्या है, पमेला सैड है. अब अंतर देखते हैं. पहले पमेला सैड दैट सी हैड गेव पॉकेट टू टॉम हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, इसे देखते हैं. दूसरे में है पमेला सैड दैट सी हैड गिवेन. ठीक है ना. अब देखिए पहला जो है यहां पर ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि हैड के बाद क्या है, गेव दिया है. और यहां पर देखते हैं दूसरे में, हैड गिवेन द पॉकेट टू टॉम टू कीप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. यहां पर कीप है, कीप होने के नाते गलत है बी वाला. पमेला सेड दैट सी हैड गिवेन द पॉकेट टू टॉम हु कीप्ट इट अ लॉन्ग टाइम. इसको यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं हम, और डी देखते हैं. पमेला सेड दैट सी हैड गिवेन द पॉकेट टू टॉम हु कीप्ट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब देखिए कहीं पर फार का यूज नहीं किया गया, तो डी ऑप्शन में फार डी होगा नहीं, सी ऑप्शन गोज टू करेक्ट. पमेला सेड दैट सी हैड गिवेन द पॉकेट टू टॉम हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट. चलिए दोस्तों, इसे बनाने की कोशिश करिए. स्कोर कितना जाता है कमेंट करके बताइएगा. वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा. लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा. एक लाइक तो बनता है. पीएस क्लासेस आपके लिए इतना कोशिश कर रहा है, तो आप भूले ना. और पीएस क्लासेस से जुड़ने का मतलब टॉप रैंकर बनना. चलिए आगे बात करते हैं. आई वॉज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, रिप्लाइड हैरी. Replied Harry. Harry said that he was digging the garden when the doctor arrived. Harry said that he had been giving the garden when the doctor arrived. And C, Harry said that he had been digging the garden when the doctor arrived. And D, Harry says that he was digging the garden when the doctor arrived. चलिए, which one is supposed to correct? Which one is supposed to correct? बताइए. मैंने इसे teach किया आपको. मैंने इसे टीच किया है. चलिए देखते हैं. ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही इशारा कर रहा है. देख लेते हैं. हरी सैड दैट. अब यहां पर हमने क्यों दैट लगाया. हरी सैड दैट क्या कहा, ही हैड बीन डिगिंग द गार्डन, क्योंकि दैट कंजंक्शन लगा करके जोड़ेंगे. और आई जो हमारा है वो किसके अनुसार चेंज होगा, तो हरी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हैरी ही हो जाएगा. तो हैरी सैड दैट ही हैड बीन डिगिंग, क्या हो जाएगा, डिगिंग, क्योंकि जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, तो हैड बीन डिगिंग द गार्डन और व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड. ठीक है, तो यहां पर हमारा सही होता है बी. हरी सेड दैट ही हैड बीन डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड. द नेक्स्ट वन इज दैट आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ यू हैड पास्ड एग्जामिनेशन, शेड द फार्मर मास्टर. दोस्तों इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस आया हुआ है और आप ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस आया हुआ है. इस सेंटेंस को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि इफ यू हैड पास एग्जामिनेशन आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड. ठीक है, अब देखते हैं. ऑप्शन ए, द फार्मर मास्टर सेड दैट इट वुड हैव सरप्राइज्ड हिम इफ आई हैड पास्ड. नेक्स्ट देखते हैं, द फार्मर मास्टर वाज सरप्राइज इफ आई पास द एग्जामिनेशन. एंड सी, द फार्मर मास्टर सेड दैट ही शुड बी सरप्राइज इफ आई हैड पास. एंड देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, डी, द फार्मर मास्टर सेड दैट ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ आई हैड पास्ड एग्जामिनेशन. चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है. चलिए बताइए,
विच वन इज कोज टू करेक्ट माई डियर फ्रेंड, विच वन इज कोज टू करेक्ट। चलिए कोशिश करते हैं, डी ऑप्शन हम देखेंगे तो सही होगा। और कैसे होगा देख लीजिए, द फॉर्मर मास्टर सेड दैट ही वुड हैव बीन सरप्राइज इफ आई हैड पास द एग्जामिनेशन। आपको मैंने बताया था अगर प्रेजेंट का होगा तो पास्ट में बदलेगा, अगर पास्ट का होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहां पर देखिए क्या कोई चेंजिंग कर रहा है, तो आपने कहा सर यहां पर तो लिखा है, यहां पर तो लिखा हुआ है किस ऑप्शन को, मैंने बताया बताओ, यहां पर डी ऑप्शन को देखो कुछ बदला गया है, बी में बदला गया वाह सरप्राइज है, सी में क्या है वुड हैव सरप्राइज है, ठीक है, इसके बाद क्या है हिफ, और दूसरे वाले में हैड लगा दिया है, ठीक है। तो द फार्मर सेड दैट इफ वुड हैव सरप्राइज्ड हिम इफ आई हैड पास्ट, ये होगा नहीं, तो डी ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। द फॉर्मर मास्टर सेड दैट, अब पहला वाला क्या है इट लगा दिया तो रंग हो गया ना, पहला में इट क्या है इट लगा तो रंग है, दूसरे में क्या है द फॉर्मर वॉज सरप्राइज कर दिया है ये भी रंग हो गया है, तीसरा देखते हैं द फार्मर मास्टर सेड दैट शूड लगा दिया बिल्कुल रंग है, शूड कहां से आ जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही जाता है। द फार्मर मास्टर सेड दैट ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट वन इज दैट आई विल पुट दिस की हियर सेड द केयर टेकर, इसे कैसे बनाएंगे, द केयर टेकर सेज दैट ही वुड पुट द की देयर, या पहला तो होगा नहीं गलत है, द केयर टेकर सेड दैट ही विल पुट द की देयर। दोस्तों देखते हैं कि विल है तो वुड का आना जरूरी है, ठीक है, तो पहले में सेज के कारण गलत हो जाता है, दूसरे में क्या है सेट के बाद विल लगा है, सेट दैट ही विल है तो विल का विल होगा नहीं, बी भी गलत हो गया। द केयर टेकर सेड दैट ही वुड पुट द की देयर एंड द केयर टेकर सेज दैट ही वुड पुट द की हियर। तो ऑप्शन जो हमारा इसमें सही की तरफ जा रहा है समझ गए होंगे, सी द केयर टेकर सेड दैट ही वुड पुट द की देयर, क्योंकि हियर को किसने बदलेंगे देयर में। नेक्स्ट वन इज दैट आई शैल गो टुमारो ही सेड, ही सेड दैट ही वुड गो टू द नेक्स्ट डे, ही सेड दैट ही शैल गो टू द नेक्स्ट डे, ही सेड दैट He should go to tomorrow and he said that he would go to tomorrow. बताइए which option is close to correct? He said तो he said ही रहेगा, सबके साथ conjunction that लगा है। अब हम क्या कर देंगे, B option तो बिल्कुल गलत जा रहा है, sell होगा नहीं, तो B option तो आपका कट गया है। बताइए किस option की तरफ जाना better रहेगा, किस option की तरफ जाना, ऑप्शन ए हमारा सबसे बेटर होता है। ही सेड दैट, बताइए ही सेड दैट ही वुड गो टू द नेक्स्ट डे, ऑप्शन बी में केवल सेल लगाया इसलिए ये गलत हो जाता है, और ऑप्शन सी में भी टुमारो केवल कर दिया है, डी में भी टुमारो तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सही होता है, ही सेड दैट ही वुड गो द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट वन इज दैट वाल्टर सेड आई कैन नॉट Do it now. Walter says that he cannot do it now. Walter said that he could not do it now. Walter says that he could not do it then. And Walter said that he could not do it. Tell me guys, which option is close to correct? यहाँ पर D सही होता है. Walter said that he could not do it then. The next one is that the master said that he would see me the next day. The master said that he would see me the next day. You will be seen by me tomorrow, said the master. Yeah, I will see you tomorrow, said the master. Tomorrow I will see you, says the master. Yeah, I will be seeing you tomorrow, said the master. Tell me guys, which option is close to correct? The master said that he would see me the next day. अगर नेक्स्ट डे बेटा यहां पर है तो क्या रहा होगा, मानकर चलिए कहीं ना कहीं टुमारो जरूर होगा, तो बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा, किस ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन बी सबसे सुटेबल है, आई विल सी यू टुमारो सेड द मास्टर। नेक्स्ट वन इज दैट फादर टोल्ड पीटर टू क्लीन हिज शूज,
क्लीन योर शूज पेटर सेज फादर, या क्लीन योर शूज पेटर टोल्ड फादर, या क्लीन यू शूज पेटर आस्क फादर, या क्लीन योर शूज पेटर सेड फादर। किसकी तरफ जाना बेटर होगा बताइए, किसकी तरफ जाना बेटर होगा? तो डी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे जो कि बेटर होगा। क्या होगा? क्लीन योर शूज पेटर सेड द फादर, क्योंकि फादर टोल्ड पेटर टू क्लीन हिज शूज। और यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, क्लीन योर शूज कमा पेटर सेड फादर, और यहां पर जो सेड वो टोल्ड में बदला था वहां पर, ठीक है, फादर टोल्ड पेटर। तो यहां पर होगा जाता हमारा कौन सा ऑप्शन बताइए, सी की डी। क्या मैंने बताया, क्या मैंने आपको बताया, तो वो है डी। The girl said how happy I am. The girl exclaimed that she is very happy. The girl said how happy she was. The girl said that she is very happy. The girl exclaimed that she was very happy. देखिए ये एक exclamatory sentence है और इसका बनाया गया है। तो यहाँ पर किस option की तरफ हम जाएंगे तो ध्यान देते हैं, किस option की तरफ जाना better है तो वो है D. The girl exclaimed that she was very happy. क्योंकि how को हम किस में बदल देते हैं, very में, और happy क्या है, एक adjective है। तो यहाँ पर क्या exclamatory sentence है, तो हमारा reporting verb the girl exclaimed हो जाएगा connecting के नाम पे that, और यहाँ पर I जो है girl के अनुसार she was very happy. The next one is that Mohan says that the teacher is not at home. Mohan said teacher is not at home. Mohan said teacher was not at home. Mohan says teacher is not at home. Yeah, Mohan says teacher was not at home. देखिए Mohan says है, इसका मतलब reporting verb क्या है, present में रही है, इसमें कुछ भी changing नहीं करना है, तो क्या रहा होगा, Mohan says, देखिए पहला option तो कट गया, दूसरा भी कट गया। अब C और D देखते हैं, Mohan says there is not a home. देखिए मोहन सेज टीचर इज नॉट एट होम होगा कि द मोहन सेज टीचर वाज नॉट एट होम। अब लिखा क्या है, इज नॉट है, इसलिए हम सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बेटर है। तो कौन सा सही होगा, हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो होता है सी सही। द नेक्स्ट वन इज दैट ही सेड आई हैव डन माय जॉब। देखते हैं ही सेड दैट सब में दिया हुआ है। अब देखते हैं कि पहले में हैड बीन है, दूसरे में हैज डन है, और तीसरे में हैड डन है, और चौथे में हैव डन है, तो क्या सही होगा, ही सेड दैट, आई को ही के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा, सब में ही दिया हुआ है। दोस्तों आगे देखते हैं कि यहां पर हैव है तो किसे बदलेगा, हैव है तो हैड में बदलेगा, किसमें बदलेगा, हैड में। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया, होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं has done his job, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं had done his job और have, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो सी की तरफ जाता है, और क्या है, he said that he had done his job. The next one is that the student said I am doing my homework, this is very easy. The student said that she was doing her homework, या the student said that she did her homework, and the student said that she has been doing her homework. And D, the student said that she is doing her homework. चलिए समझते हैं, the student सब में आपको मिल रहा है, पहले में the student said है, दूसरे में भी student said है, तीसरे में भी student said है, और चौथे में भी student said है। तो हमें देखना क्या है, pronoun संबंधी परिवर्तन। यहाँ पर आया क्या है, चूंकि reporting verb past में है तो reported speech को हम change करेंगे, I ही में बदल जाएगा। तो student जो है यहाँ पर देखते हैं सब में कहीं सी दिया है, सी दिया है, सी दिया है, ऑप्शन में सीसी दिया है, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं आई एम यहाँ पर है तो आई वॉज डूइंग, डिड हर होगा नहीं, इसलिए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर लग रहा है बताइए, दिस इज वेरी सिंपल, किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर है, तो ए के ऑप्शन तरफ जाना बेटर, क्योंकि आई एम डूइंग का क्या हो जाएगा, सी वॉज डूइंग हर, बाकी सारे में जैसे यहाँ पर सी इज डूइंग हर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा होता है, फर्स्ट द स्टूडेंट सेड दैट शी वाज डूइंग हर होमवर्क। द नेक्स्ट वन इज दैट ही सेड टू द बॉय यू हैव नॉट टिकट, गेट आउट बिफोर यू आर ड्राइविंग आउट। आई टोल्ड द बॉय गेट आउट बिफोर यू आर ड्राइविंग आउट, या बी आई टोल्ड द बॉय दैट ही हैड नो टिकट एंड दैट ही शुड गेट आउट बिफोर ही वाज ड्राइविंग आउट, and C, I told the boy to get out before he was driving out as he had no ticket, and D, I ordered the boy to get out before he was। तो my dear friend बताइए
किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा. आई सेड टू द बॉय, तो यहां पर यू हैव नो टिकट, यू हैव नो टिकट है, सब में टोल टोल आपको दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, किस ऑप्शन की तरफ हम लोग चलें? बताइए इसे कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे. चलिए चेक करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आई सेड टू द बॉय यू हैव नो टिकट गेट आउट बिफोर यू आर अराइविंग आउट. पहला क्या है, आई टोल्ड द बॉय होगा नहीं, आई टोल्ड द बॉय दैट हैड, ये भी सफर नहीं हो रहा है, और जो आई टोल्ड द बॉय टू गेट आउट बिफोर ये भी गलत है. सही ऑप्शन हमारा डी होता है, आई ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट, आई ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट आउट बिफोर ही वॉज ड्राइविंग आउट. क्लियर हो गया बेटा, बताइए क्लियर हो रहा है. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे. अमेलिया इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल फॉर द परमिशन टू गो ऑन अ स्टडी टूर. ए अमेलिया इज गोइंग टू से टू द प्रिंसिपल माइट वी हैव योर परमिशन टू गो ऑन अ स्टडी टूर. या बी अमेलिया इज गोइंग टू से टू प्रिंसिपल वुड We have your permission to go on a study tour. And C, Amelia is going to say to the principal, should we have your permission to go on a study tour? And D, Amelia is going to say to the principal, may we have your permission to go on a study tour? Tell me, which one is close to correct? देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस है, इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में. किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में. तो किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा, आप चेक कर लीजिए बना करके. जब हम चेक करते हैं तो डी ऑप्शन सही आता है, एमिलिया इज गोइंग टू से, अमेलिया इज गोइंग टू से द प्रिंसिपल मे वी हैव योर परमिशन टू गो ऑन अ स्टडी टूर. क्योंकि यहां पर मे है तो वहां पर क्या हो गया है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होता है. द नेक्स्ट वन लेते हैं बेटा, द नेक्स्ट वन लेते हैं. जैनेट एक्सक्लेम्ड दैट सी हैड लॉस्ट ऑल हर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दैट मॉर्निंग. जैनेट सेड आई हैड टू लॉस ऑल माई बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दिस मॉर्निंग. जैनेट सेड आई लॉस्ट ऑल माई बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दिस मॉर्निंग. एंड जैनेट सेड आई लॉस्ट ऑल माई बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दैट मॉर्निंग. या जैनेट सेड आई हैड लॉस्ट ऑल माई बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दैट मॉर्निंग. बताइए, जैनेट एक्सक्लेम्ड है. अब एक्सक्लेम्ड है तो समझ में बात आ रही है कि कहीं न कहीं कौन सा सफर होगा बेटा, कहीं न कहीं किस सफर की तरफ इशारा कर रहा है. तो इशारा कर रहा है बी ऑप्शन की तरफ. किस ऑप्शन की तरफ, बी. जैनेट सेड आई लॉस्ट ऑल माई बिलोंगिंग्स एट एयरपोर्ट दैट मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट लेते हैं. थॉमस सेड दैट ही वुड मीट एंडी द फॉलोइंग मंडे एंड आस्क इफ फर्स्ट ओ क्लॉक शूटेड हिम. चेक कर लीजिए. चलिए इसका हम क्या करना है, इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है. थॉमस सेड टू एंडी आई विल मीट यू फॉलोइंग मंडे विल आई फर्स्ट ओ क्लॉक शूट यू. एंड बी देखते हैं, थॉमस सेड टू एंडी एंडी आई वुड मीट यू द फॉलोइंग मंडे विल फर्स्ट ओ क्लॉक शूट यू. एंड सी थॉमस सेड टू एंडी एंड आई एम गोइंग टू मीट यू द फॉलोइंग मंडे डज फर्स्ट ओ क्लॉक शूट यू. एंडी थॉमस सेड टू एंडी एंडी आई विल हैव टू मीट यू द फॉलोइंग मंडे इज फर्स्ट ओ क्लॉक शूटिंग यू. तो माय डियर बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं, ये रहा स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन. थॉमस सेड दैट ही वुड मीट एंडी एंड द फॉलोइंग मंडे एंड आस्क इफ फर्स्ट ओ क्लॉक शूटेड हिम. ओके गाइस, बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा. ये सबसे सुटेबल है. थॉमस सेड टू एंडी, देखिए थॉमस सेड दैट He would meet Andy and the following Monday and ask if first o'clock shooted. So first option goes to correct. Thomas said to Andy, I will meet you the following Monday. Will first o'clock shoot you? The next one is that.
Sandra said that she used to know a lot of people in Delhi, but that she had fewer friends in Kolkata. Fewer ho gaya. So Sandra said, I had known a lot of people in Delhi, but I had few friends in Kolkata. Sandra said, I had got to know a lot of people in Delhi, but I had few friends in Kolkata. And Sandra said, I have known a lot of people in Delhi, but I had few friends in Kolkata. And Sandra said, I used to know a lot of people in Delhi, but I have fewer friends in Kolkata. तो सेंडा की बात हो रही है और यहां पर अगर हम चेक करते हैं तो बनाने की कोशिश करेंगे सेंडा सेड डी ऑप्शन की तरफ. सेंडा सेड आई यूज टू नो अ लॉट ऑफ पीपल इन दिल्ली बट आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स इन कोलकाता. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज दैट यहां पर क्या है. मैरी सेड दैट सी इज सॉरी बनाइए विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट. और ए ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट. मेरी सैड दैट सी वॉज सॉरी क्योंकि यहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट आया इसलिए किसे बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट में. बी में इज लगा है गलत है. सी में विल है गलत है. और डी में क्या है इज इसलिए क्या है गलत है. तो नेक्स्ट वन लेते हैं. सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ. तो क्या हो जाएगा. ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ. ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग. ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग. And he asked me, what am I doing? He said to me, what I was doing. चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं. किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा. तो ए he asked me, what I was doing. क्योंकि जो कनेक्टिंग वर्ड है इसमें what स्वयं हो जाता है. तो पहला ऑप्शन हमारा सही होता है. नेक्स्ट देखते हैं. The Technician told us how to maintain the machine in good working order. The technician said to us, there is how you maintain the machine in good working order. And B, the technician said to us, this is how you maintain the machine in good work order. And C, the technician said, this is how you maintain the machine in good working order. And T, the technician said to us, that is how you maintain the machine in good working order. अब देखिए आपको करना क्या है. The technician told us how to maintain the machine in good working order. अब ये क्या है. ये दोस्तों क्या है. Indirect narration. और indirect narration को किसे बदलना है. Direct narration में. तो चलिए बदलने के सफर में चलते हैं. और क्वेश्चन क्या आपका देखते हैं. The technician told us how to maintain the machine in good working order. ऑप्शन अगर हम सबको एनालिसिस करते हैं तो दायरा यही बनता है. The technician said to us, first की तरफ जा रहा है. There is how you maintain the machine in good working order. The next one is that लेते हैं. He said to me, you need not worry. He said to me that he need not worry. He assured me that I need not worry. And C, he told me that I shall need not worry. And D, he said to. तो देखिए यहाँ पर क्या है. He said to me that he need not worry. यहाँ पर reporting verb में to इसलिए होगा नहीं. हमारा B option सही होता है. किस option की तरफ जाएंगे. तो option हमारा B सही होता है. और क्यों सही होता है आप देख सकते हैं. A में said to आपने लगाया इसलिए गलत है. और सी में आपने क्या किया. रिपोर्टेड स्पीच में सेल लगाया है. आई सेल नीड नॉट वरी. ये भी इसलिए गलत हो जा रहा है. और ही सेड टू मी दैट यू नीड नॉट वरी. यहां पर भी सेड टू के बाद क्या लगा है. ये जो प्रेपोजिशन लगा है बिल्कुल गलत है. तो ऑप्शन हमारा बी ही सही होता है. ही अश्योर्ड मी दैट आई नीड नॉट वरी. द नेक्स्ट वन इज दैट. ही सेड आई हैड वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट. अब देखते हैं. He said that he saw a wonderful dream last night. He said that he had seen a wonderful dream yesterday. He said that last night he had a wonderful dream. And he said that he had a wonderful dream the previous night. Tell me guys, किस ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएं? बताइए.
हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से भी मैं समझ गया हूं कि दोस्तों आप गए होंगे डी की तरफ। ही सैड दैट ही हैड हैड। अब आप कहेंगे सर हैड हैड क्यों लगा है, आई हैड वंडरफुल, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं मैंने बताया था कि जब आपको हैड वाला यूज पढ़ना होगा तो यहां पर वी टू है और वी टू किस में जाएगा, पास्ट कंडीफिनिट किस में जाता है, पास्ट के परफेक्ट में। तो यहां पर एक हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक क्या हैड मेन वर्ब है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होता है। ही सेड दैट ही हैड हैड ए वंडरफुल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वन इज दैट ही बेड हिज लव गुड बाय, he said goodbye, he wished his love goodbye, he claimed goodbye love, he said goodbye my love। अब देखिए क्या रहा होगा, अगर यहां पर bad का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है bad का, तो बात समझ में आ रही है कि दिया गया वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच अपडेटिव सेंटेंस में है, यहां पर डायरेक्ट स्पीच के विपरीत नियमों का उचित होगा। नियम यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग हुआ हो तो शेड के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं, और प्रोनाउन टेंस तथा वर्ब को एज इट इज सेंटेंस के अनुसार नियमानुसार बदलते हैं। अतः अगर हम देखते हैं तो विकल्प जो हमारा डी है, ही सेड गुड बाय माय लव। द नेक्स्ट वन इज दैट ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन, दिस इज वेरी इजी। ही सेड तो सेड सब में लगा है, आई को ही के अनुसार बदल दिए, सब में बदला है। अब देखते हैं आई एम है तो आई वाज हो जाएगा, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा सही होता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज बाइंग अ न्यू पेन। द नेक्स्ट वन लेते हैं, द नेक्स्ट वन की तरफ हम चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये रहा आपके इस स्क्रीन पे। चलिए विकल्प डी मैंने बताया, ही सेड दैट ही इज, अब यहां पर क्या है आई एम बाइंग न्यू है, तो दोस्तों यहां पर हमने क्या कहा, एक चीज समझना होगा कि ही सेड आई एम बाइंग न्यू पेन, दोस्तों सही है, बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, डी की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट का प्रेजेंट में नहीं रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है चूंकि पास्ट में है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होता है। यू डिड नॉट रिटर्न योर बुक यस्टरडे सेड द लाइब्रेरियन, the librarian said that he had not returned his book the previous day, the librarian said that he had not returned his book yesterday, and see the librarian said the book not been returned the previous day, and D the librarian said that you had not returned your book yesterday। चलिए अब यहाँ पर yesterday लगा है, इसका मतलब क्या है, past का indefinite है, और यहाँ said to librarian है, assertive sentence आपका है, तुरंत बना दीजिए, तुरंत बनाइए, किस option की तरफ जाते हैं बताइए दोस्तों, option A हमारा सही होता है, the librarian said that he had not returned his book the previous day। अब आप देखने की कोशिश करिए, previous day दिया है, B में yesterday, इसलिए yesterday कट गया, और C में क्या है, previous day दिया है, book not been दिया, इसलिए ये क्या है, ये क्या है कट जाता है, और डी में तो क्या है लाइब्रेरियन सेड दैट यू हैड नॉट दे दिया है, इसलिए ये भी कट जाता है। तो ऑप्शन किस ऑप्शन की तरफ जाना हमारा बेटर है, तो ए द लाइब्रेरियन सेड दैट ही हैड नॉट रिटर्न्ड हिज बुक द प्रीवियस डे। ओके क्लियर हो गया, ओके चलो नेक्स्ट वन इज दैट, कमेंट करते रहिएगा स्कोर कितना जा रहा है, जी दोस्तों कमेंट करते रहिएगा स्कोर कितना जा रहा है, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में क्या दबाएंगे, बेल आइकन के बटन को दबा देंगे। यू आर ऑल गोइंग वेरी वेल सेड मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स सेड दैट वी आर ऑल गोइंग वेल, मिस्टर जोन्स सेड दैट दे वर ऑल डूइंग वेल, एंड मिस्टर जोन्स सेड दैट दे वर ऑल डूइंग वेरी वेल, and D, Mr. Jones said that you are all doing very well। बड़े प्यार से इसे देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले Mr. Jones said आ जाएगा, और सब में that लगा है, ठीक है, यहां पर R है तो किसने बदलेगा, यहां पर you are all doing very well,
इस ऑप्शन को जब आप बदलने की कोशिश करेंगे तो सी का जो दायरा हमारा होता है वो क्या होता है, सही होता है। मिस्टर जॉन सेड दैट, अब हमने क्या कर दिया, दे वर ऑल डूइंग वेरी वेल। ओके, यू को हमने क्या किया, बदलने की कोशिश की, और हम फर्स्ट में बदल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, या तो फर्स्ट पर्सन मानते हैं या तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हमें यहां पर दे लगाने की कोशिश करना होगा। इसलिए जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो किसकी तरफ जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी की तरफ जाता है। मिस्टर जॉन सेड दैट दे वर ऑल डूइंग वेरी वेल, क्योंकि वो क्या है, आर लगा है तो इसमें क्या लगेगा, वर लग जाएगा। द नेक्स्ट वन इज दैट I finished it several days ago, said Jackal. Jackal said that he finished it several days previously. Jackal said that he had finished it several days earlier. Jackal said that he finished it several days earlier. And Jackal said that he finished it several days ago. इसको चेंज करने की कोशिश करिए, इसे चेंज करने की कोशिश करिए। सफर जो हमारा बनता है बी सही होगा। Jackal said that he had finished it several days earlier. अब आप पूछेंगे सर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर I finished it several days ago जो दिया है ये past का indefinite है, और past का indefinite किसमें बदलता है, past के perfect में। A में जो है आपका ये word मिला नहीं है, had, और B में देखते हैं क्या है, मिला हुआ है। C में देखते हैं नहीं है, और D में देखते हैं नहीं, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, B, Jackal said That, और यहां पर पहले में क्या दिया है, फिनिश्ड है, तो पास्ट का इंडेफिनिट और पास्ट के परफेक्ट बदलेगा, तो दैट ही हैड फिनिश्ड इट सेवरल डेज अर्लियर। तो नेक्स्ट वन इज दैट शी सेड टू मी इट हैज बीन रेनिंग हेविनली एंड यू कैन नॉट गो। शी टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग हेविनली एंड आई कुड नॉट गो। शी टोल्ड मी दैट इट वॉज रेनिंग heavenly and I could not go. She told me that it has been raining heavenly and I could not go. And D, she told me that it is raining heavenly and I could not go. जी दोस्तों बात करते हैं इसमें किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा। She said to me, it has been raining heavenly, you cannot go. चलिए बनाते हैं, और यहां पर जो ऑप्शन हमारा जाएगा ए की तरफ होगा। ध्यान दीजिए, सी टोल्ड मी, सेट को किसे बदल दिया, टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग हेवनली एंड आई यू को किसके अनुसार चेंज किया, मी के अनुसार, तो आई कुड नॉट गो। सी क्यों गलत होता है, क्योंकि वाज लगा है, सी में क्या है, हैज बीन है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी में क्या है, वाज रेनिंग है, गलत हो गया। डी में क्या, इट इज रेनिंग है, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन हमारा जो सही होता है वो होता है ए, सी टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग हेवनली एंड आई कुड नॉट गो। द नेक्स्ट वन इज दैट जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। जॉन आस्क मी वेयर हैड आई बीन द प्रीवियस नाइट। जॉन आस्क मी वेयर आई हैव बीन द प्रीवियस नाइट। एंड सी जॉन आस्क मी वेयर आई एम द प्रीवियस नाइट। एंड डी एंड टी देखते हैं, जॉन आस्क मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। ध्यान दीजिए, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। बनाइए इसे बनाने की कोशिश करिए, और डी दायरा हमारा सही होता है, क्योंकि हैव इसमें है तो इसमें क्या होगा, हैड आएगा। बी में क्या है, हैव। सी में क्या है, एम। और डी में क्या है, हैड तो लगा है लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर गलत लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, ए कट जाता है, बी कट जाता है, सी कट जाता है। सही क्या होता है, डी, जॉन आस्क मी वेयर आई हैड बीन प्रीवियस नाइट। द नेक्स्ट वन इज दैट लेते हैं, आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रेन टू द जू टुमारो। सी सेड टू सी द बेबी वाइट टाइगर। चलिए दोस्तों देखते हैं, She said that she will take the children to the zoo to see the baby white tiger tomorrow. B, she said that she would take the children to the zoo the next day to see the baby white tiger. And C, she said that she was taking her children to the zoo the next day to see the baby white tiger. चलिए दोस्तों बात करते हैं, इसमें ऑप्शन सी ही हमारा सही होता है, क्योंकि इसमें हम बना रहे हैं टू सी द बेबी
वाइट राइटर हम बनाएंगे कहां से, तो देखिए सी सेट को सबसे पहले यहां पर लेंगे, सी में सी सेट कंजंक्शन दैट, इसके बाद सी वाज, क्योंकि आई एम है तो वाज में जाएगा, सी वाज टेकिंग हर चिल्ड्रेन टू द जू द नेक्स्ट डे, क्या है द नेक्स्ट डे है क्योंकि मिला क्या है टुमारो टू सी द बेबी वाइट टाइगर। जी दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा था कि महामैराथन हम चला रहे हैं नरेशन का, नरेशन की सारी वीडियो ऊपर दी गई हैं जिसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखने के बाद ये प्रैक्टिस सेट आपको तीसरा दिया जा रहा है, तो इसे जो अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि स्कोर आपका कितना गया है। और दोस्तों एक काम तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि क्या है लाइक, और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, तीन काम करने होंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। वीडियो सबसे पहले अगर पाना चाहते हो, ऐसा वीडियो अगर सबसे पहले आप पाना चाहते हैं तो राइट साइड में आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो लोड हो आप तक पहुंच सके। तो आज ये महा मैराथन नरेशन का थर्ड पार्ट था, फिर मैं फोर्थ लेकर के बहुत जल्द प्रेजेंट हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।